चलिए सबसे पहले हम आपको कोरोना संक्रमण के गंभीर हालातों के चलते पानीपत के सिविल अस्पताल का रात के समय का नजारा दिखाते हैं कि अस्पताल में बाहर ही किस तरह से गंभीर रूप से घायल इमरजेंसी मरीजों की देखभाल की जाती है। कोरोना प्रभाव से जान गंवाने वाली महिला को इसी चारपाई पर लेटाया गया था। बाहर का नजारा तो आपने देखा, अब आप अस्पताल के अंदर भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों को देखिए। अब आप जरा उन परिजनों को देखिए जो अस्पताल के बगीचे में रात गुजारने को मजबूर है। दरअसल बाइक पर सवार होकर दो व्यक्ति यूपी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में छाजपुर रोड पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत प्रभाव से आसपास के लोग सिविल अस्पताल लेकर आए। लेकिन अस्पताल में जगह न होने के कारण इमरजेंसी मरीज की केवल मरहम पट्टी कर उसे घर ले जाने को कह दिया गया। भाई साहब, ये एक्सीडेंट हुआ छत पर रोड पे, तो बंदे ने इसने जिंगा नहीं मिली अंदर, तो हॉस्पिटल में बाहर लुटाना। एक्सीडेंट कैसे हो गया था वहाँ पे? मोटरसाइकिल पे दो बंदे बैठे थे, हाँ। ये जा रहे थे बाहर, जा रहे थे यूपी में, हाँ। अपनी लड़की के जा रहे थे, तो ये बंदे बैर बोले हॉस्पिटल वाले, भाई इसने बैर लुटाओ, इसका इलाज हो गया, अब बैर बैठे अब तक देख लो, इसने बोले भाई अपने गाँव लेके चल जाओ। क्या दिक्कत थी अंदर इमरजेंसी में? अंदर जी लुटाने की जिंगा नहीं है। अच्छा, क्या अंदर ऐसा भीड़ है ज्यादा? हाँ भीड़ है जी, अंदर फुल भीड़ है, अंदर नीचे लुटा रहा था, फिर मैंने सोचा मगर उन्हें निकाल दिया मैं हमको बाहर। व्यवस्था तो जो इनका जो सिस्टम है, जो अपना हॉस्पिटल वालों का, क्या यहाँ पे बेड खाली नहीं है, बेड खाली ना होने की वजह से ये एक्सीडेंट का जो केस आया था, इनको फर्स्ट एड दे के टांके वगैरह लगा के इनको तो अंदर लेटाया हुआ था, अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है, कोविड के मरीज हैं, इसलिए इनको यहाँ पे बाहर लुटाया गया है। बाहर ये जो फोल्डिंग पड़ा हुआ है, इस पर भी एक लेडीज़ की कोविड से वो थी, वो संक्रमित थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, वो अपने घर से ही लेके आए थे क्योंकि यहाँ पे बेड खाली नहीं था, वो छोड़ के चले गए, तो वो यहीं पर छोड़ के चले गए और ये खाली पड़ा था, ये यहाँ पर आके लेट गए। तो इन भाइयों को मैं कह रहा हूँ यहाँ इस पे मत लेटो क्योंकि ये संक्रमित है, ये फोल्डिंग, इससे और भी संक्रमण फैल सकता है इससे जब ये घर जाएंगे, इनको हो गया तो अपनी इनकी फैमिली को भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है। लेकिन व्यक्ति की हालत इतनी गंभीर थी कि वह चल तक नहीं पा रहा था, जैसे तैसे वह इमरजेंसी वार्ड के बाहर पड़ी एक चारपाई पर, जिस पर एक कोविड मरीज की जान गई थी उसी पर जाकर लेट गया, जिससे संक्रमण आसानी से फैल सकता है। लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक तरफ जहां जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जा रही, वहीं अस्पताल के अंदर एक बेड पर दो संक्रमित मरीज रहने को मजबूर हैं और परिजन महामारी और मक्खी मच्छरों के बीच अस्पताल के बगीचों में रात गुजारते हैं। ऐसे में महामारी और भी भयानक रूप धारण कर सकती है, सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।